हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल यूनिक फैशन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं जींस पैंट की कटिंग। तो इनका जो है कटिंग देखिए कैसे करना है और कपड़ा कितना है, क्या साइज है। सबसे पहले कपड़े को हम चेक कर ले रहे हैं। कपड़ा देखिए कितना है। कपड़ा जो है ये 31 इंच 31 है कपड़ा ये, और इनका नाप आप लोग समझ लीजिए। लंबाई 44.5 इंच है, 34.5 इंच इनकी जो है इनसीम है, 38.5 इंच कमर है, 42.5 इंच हिप है, 17 मोरी, 21 इंच इनका घुटना है, 28 इंच इनकी रान है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम कटिंग किधर से करेंगे। देखिए ये सेल्वेज वाला जो है एरिया है, सेल्वेज इधर है, और हम इस साइड से जो है कटिंग देखिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कपड़ा ये जीन्स वाला है, मोटा कपड़ा है, तो क्यों इधर से कटिंग करते हैं हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जो है इधर से हम कमर वाला निशान लगाते हैं, तो इसी तरीके से इसमें भी कमर वाला पहले निशान लगाएंगे। तो कमर वाला निशान देखिए कैसे लगाते हैं, जितना हम रान नापे होते हैं तो उसी हिसाब से हम कमर का पहले निशान जो है ऊपर का हम लगाते हैं। तो 28 इंच हमने रान नापी है, तो उसका आधा करेंगे 14 इंच आएगा। तो 14 इंच पहले हम एक ऐसे यहाँ से ये कोर को जो है छोड़ के 14 इंच पे हम ऐसे जी टेप को रख के पहले निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो है हम इसको दोस्तों एकदम ऊपर से ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ से देखिए ले रहे हैं, यहाँ हल्का सा कट है, देखिए ऐसे इसमें दाब रख देंगे। जितना सिलाई मार्जिन रहती है 300 आधा इंच जितना आप दाब आते हैं उस हिसाब से इसमें दाब रख देंगे। देखिए ऐसे लंबाई का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का बेल्ट रहेगा, तो 1.5 इंच को इस निशान पे हम रखेंगे, नीचे वाले निशान पे रख के, और 44.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 44.5। 2 इंच का इसमें दाब देंगे, मोहरी जो है सिलाई वाली रहेगी, 2 इंच बहुत है। ऐसे हो गया, घुटने के निशान लगाएंगे, लंबाई का आधा कर लेंगे, तो 22.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। इन सीम पे निशान लगाएंगे, 34.5 है, 34.5 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 3 सूत यहाँ दाब बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे, ऐसे सारा निशान हम फिर सीधा कर लेंगे ऐसे। दोस्तों जो है देखिए ये मोटा कपड़ा रहता है, तो जो है इसलिए हमको इधर से कटिंग करना रहता है। जींस जो है जींस पैंट इधर से ही रेडीमेड भी जो है इधर ऐसे ही कटिंग कर होती है, इधर से जो है खड़ी होती है और इधर से और एब में थोड़ी सी होती है, ताकि जो है इसमें फ्लैक्स रहे और जो है यहाँ पर फ्लैक्स रहे, इसीलिए जो है इस तरीके से कटिंग की जाती है दोस्तों। तो जो है आप लोग देखिए कैसे जो है निशान लगाना है कमर वाला। दोस्तों अब इसको हम शेप स्केल से ऐसे निशान लगा लेंगे, देखिए ऐसे, और ऐसे इसको इतना जो है हम शेप देंगे दोस्तों। इस तरह से हम शेप देंगे, ज़्यादातर जो है पास जो है हमारा जो है सीधा रहेगा यहाँ से यहाँ तक में। उसके बाद जो है हम यहाँ से 1.25 इंच हमने जो है इसको इस साइड में कर लिया है। अब उसके बाद जो है हम हिप का निशान लगाएंगे, हिप जो है 42.5 है, उसको चौथाई करेंगे, 10.5 इंच एक सूत आएगा, इसमें 1.25 इंच और बढ़ा करके हम निशान लगा देंगे। 1.25 इंच जो हमारा दाब सिलाई में दबेगा उसी को हम बढ़ा देंगे। कमर का निशान लगाएंगे, कमर 38.5 से इसका चौथाई करेंगे, 9.5 इंच एक सूत आएगा, इसमें भी 1.25 इंच हम बढ़ा करके हम निशान लगा देंगे। इसको जो है हम देखिए ऐसे शेप में जो है ऐसे निशान लगा देंगे।
अब जो है यहाँ पर जो है हम पॉकेट पहले रखेंगे, पॉकेट जो है हम दोस्तों 6 इंच की रखेंगे। इस निशान से जो है 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे, देखिए 6 इंच, और हम जीन्स वाली पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो हम इसको जो है यहाँ से 3.25 इंच, और दूसरी चीज़ ये कि कस्टमर कैसी डिज़ाइन जो चाह रहा पॉकेट की, उसी हिसाब से हमको पॉकेट का निशान लगाना होता है दोस्तों। देखिए ऐसे, जिस हिसाब से कस्टमर की डिमांड होती है दोस्तों, उसी हिसाब से हम पॉकेट का निशान लगाते हैं। यहाँ पर हम डॉट वाला निशान लगा देंगे ऐसे, एक पॉकेट और हम यहाँ पर जो है पॉइंट पॉकेट का निशान लगा देते हैं 3.5 इंच, 3.25 इंच, साइज के हिसाब से लगेगी। वजन जो है घुटना हमारा देखिए जो है 21 इंच है, तो उसका हम आधा करेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो इसमें हम 2 सूत कम करके 10.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे। मोहरी जो है 17 है, इसका आधा करेंगे 8.5 इंच आएगा। इसमें हम जो है 2 सूत कम करके निशान लगा देंगे, और इसको जो है ऐसे निशान लगाएंगे, इसे ऐसे लगाएंगे, चाहे सीधा लगाएं चाहे हम शेप स्केल से लगा दें। और इसी इस निशान से हम 2.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे, देखिए 2.25 इंच। दोस्तों जो है देखिए इधर से हल्का सा क्रॉस पे जो है ये आएगा, तो इसीलिए क्रॉस पे आता है दोस्तों, ताकि जो है मोटा कपड़ा होता है तो इसमें स्ट्रेच होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको क्रॉस पे कटिंग की जाती है। जींस पैंट भी आप जितनी रेडीमेड देखेंगे उसकी भी कटिंग दोस्तों इसी तरीके से की जाती है। दोस्तों अब लंबाई चेक करके इनसीम का निशान लगा ले रहे हैं। पहले लंबाई देखेंगे 44.5, 34.25 पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, 34.35 यहाँ पर ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे, यहाँ तक हमारा चेन हो जाएगा। तो दोस्तों जो है ये देखिए निशान, ये हमारा जीन्स वाला लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कपड़ा जो है थोड़ा छोटा बड़ा है ऊपर नीचे, तो पहले हम एक एक पीस की कटिंग करेंगे, इसलिए कि जो है हमें पॉकेट भी निकालनी होती है, बेल्ट भी निकालना होता है, तो सब चीज़ को देखते हुए हमको निकालना है। कैसे निकलेगा दोस्तों, उसी हिसाब से हमको कटिंग करना होगा। दोस्तों देखिए फ्रंट हमारा कट गया है, अब चलिए हम बैक की कटिंग करते हैं। दोस्तों जो है देखिए ये फ्रंट की कटिंग हो गई, तो हम बैक की कटिंग कर रहे हैं। तो बैक की कटिंग करने में दोस्तों सबसे ज़रूरी इसमें क्या है, देखिए इसमें बेल्ट भी निकालना है और इसमें बैक की पॉकेट निकालना है। तो पॉकेट के लिए जो है कपड़ा हमको सेट करना पड़ेगा, कहाँ से हमारी पॉकेट निकलेगी। तो दोस्तों जो है
उसको हमको पहले नाप के चेक करना पड़ेगा कहाँ से हमारी पॉकेट निकलेगी। अगर पॉकेट नहीं निकलेगी तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए पॉकेट की लंबाई हमारी 6.5 साढ़े 6 इंच लगभग रहेगी साइज़, क्योंकि लंबी है, बड़ा पैंट है ये, तो उसी हिसाब से जो है हमको रखना पड़ेगा, यानी कि 1 इंच कम से कम दाब, यानी कि 8 इंच जो है लंबी कपड़ा चाहिए, और हमको चाहिए जो है 6.5 इंच जो है चौड़ा कपड़ा चाहिए दोस्तों, तब जाके हमारी पॉकेट निकलेगी। तो अब हमको कैसे कटिंग करेंगे पॉकेट जो है, हम पॉकेट भी निकालना है, बेल्ट भी निकालना है, सारी चीज़ हमको इसमें निकालना होता है। नॉर्मल कपड़ा अगर रहता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, पॉकेट जो है ऊपर से जो है उसमें लगाई जाती नहीं है, क्योंकि ये जींस पैंट है तो इसमें पॉकेट जो है दोस्तों हमको ऊपर से लगानी है। तो अब हम जो है इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ऐसे इस तरह से दोस्तों हम इसको रखेंगे, और पहले जो है हम इसके सीध में एक निशान लगाएंगे दोस्तों, ए ऐसे। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है बैग को जो है अप करेंगे, तो इसमें जो है हमने जो है करीब 1.25 इंच हमने जो है इसको डाउन किया हुआ है, तो 1.25 इंच और मिला के मतलब 1.5 इंच हम इसको अप रखेंगे, यहाँ से इसको बराबर रखेंगे। देखिए 1.5 इंच इसको ऐसे हमने अप रखा है, और बीच में इसका जो है डार्ट आता है बैक में, तो 1 इंच का जो है डार्ट का भी कपड़ा हम इसमें बढ़ा देंगे 1 इंच, ये भी कपड़ा हम इसमें बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे, देखिए ऐसे। अब इसके बाद जो है हम टिप का निशान दोस्तों लगाएंगे, देखिए ऐसे। हिप जो है हमारी 42.5 है, तो यहाँ आगे जितना सिलाई दबेगा उसको छोड़ देंगे, पीछे जितना सिलाई दबेगा उसको छोड़ करके इसको ऐसे रखेंगे, और हिप जो है 42.5 है तो उसका हम आधा करेंगे, 21.25 इंच आएगा, तो इसमें जो है 1.25 इंच हम बढ़ा के 1 इंच 1.25 इंच जिस हिसाब से जो है कस्टमर जो है पहनने वाला है उसी हिसाब से हम उसको बढ़ा देंगे, फिटिंग में पहनने वाला 1.25 इंच और थोड़ा लूज पहनेगा नॉर्मल में पहनेगा तो 1 इंच बढ़ा के हम जो है निशान लगा देंगे। कमर जो है 38.5 है, उसका चौथाई करेंगे 9.5 इंच, 1 सूत आएगा, और इसमें 3 सूत बढ़ा करके 3 सूत सिर्फ बढ़ाएंगे, 10 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, क्योंकि इसमें डार्ट नहीं रहेगी दोस्तों। इसके बाद जो है हम इसको शेप दे देंगे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे मिला लेंगे, रान दोस्तों जो है इनकी 28.5 नापी है, तो आगे सिलाई जो दबेगा उसको छोड़ देंगे, पीछे सिलाई जो दबेगा उसको छोड़ करके 28.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे दोस्तों, ये ऐसे। घुटना हमारा जो है 21 इंच है, तो इस यहाँ भी सिलाई में जितना दबेगा उतना छोड़ के, पीछे सिलाई जितना दबेगा उसका छोड़ करके 21 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे, नीचे भी ऐसे ही करेंगे, सिलाई में जितना दबेगा उसको छोड़ करके 17 इंच मोहरी है, तो 17 इंच 3 सूत पे हम निशान लगा लेंगे, देखिए ऐसे। अब हम सारे निशान को मिला लेंगे, ऐसे। अब हम पॉकेट चेक करेंगे दोस्तों, हमारी पॉकेट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, तो 8.5 और कम से कम 8.5 चाहिए, 8.5 17 18 इंच पे हम देख ले रहे हैं, यहाँ से चेक कर ले रहे हैं कितने आ रही है पॉकेट, तो 7 इंच हमें चाहिए था, तो 7 इंच देखिए यहाँ तक हमारी निकल जाएगी, ये हमारा इतना पॉकेट वाला कपड़ा हो जाएगा इतना।
कि दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट वाला कपड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम डार्ट का दोस्तों हम निशान लगा देंगे, तो डार्ट का निशान जो है यहाँ पर हम 2.5 इंच और ये 1 इंच, ये यहाँ 3.5 इंच, ऐसे ऊपर से हम 4.5 इंच पे निशान लगा देंगे। 4.5 सवा 4 साइज के हिसाब से आप लगाएंगे। ऐसे आगे से 2 इंच रख देंगे, पॉकेट हम 6 इंच का रख देंगे, 6 पौने 6। पॉकेट का हम दोस्तों निशान लगा देंगे, जिस शेप में आपको देना है उसी शेप के हिसाब से निशान लगा दीजिएगा। इसमें कोई डिज़ाइन आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये रहा निशान दोस्तों, ये कट हो गया है। कटिंग देखिए ऊपर से ही होगी और इसमें हम दाब दे देंगे। यहाँ पर भी साइड में भी दाब थोड़ा दे देंगे, यहाँ तक लाके हम इसको मिला देंगे। कपड़ा दोस्तों जब मोटा रहता है तो इसमें ज़्यादा इसमें दाब देना नहीं चाहिए, तो उसी हिसाब से सब चीज़ हम फिक्स कटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों जो है ये निशान देखिए हमारा पूरा ये लग गया है बैक का। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जींस की पैंट की देखिए कटिंग ये हमारी पूरी हो गई है। कटिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग वीडियो अब तक सबसे पहले हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।